हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका कंपटीशन एग्ज़ाम विद एसएसपी एस में इंग्लिश कॉम्पटिशन एग्जाम विद एसएसपी एस में लास्ट क्लास में हमने मैथ्यू uh, नॉलेज के बारे में कुछ सीखा था और uh, मतलब उनका एक तरह से इंट्रोडक्शन लिया था वर्क काजेज़ एंड हॉबीज़ वगैरह जो भी उनके ऑनर्स थे वो सब हमने लाइफ वर्क काज़ और ऑनर्स पर हमने डिस्कस किया था तो चलिए एक क्विक रिव्यू देखते हैं इनका वर्क एट क्लांस पे तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं Matthew Arnold, as we know that ही वॉज बॉर्न इन एटीन ट्वेंटी टू एंड डाइड इन एटीन तो हम इनके बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देने जा रहे हैं लास्ट वीडियो थी और जो अभी है दोनों का मैंने लिंक आपको एक ही वीडियो में पुट कर दिया डिस्क्रिप्शन में और उसमें जो पी डी एफ है दोनों से रिलेटेड पी डी एफ भी मैंने डाल दिया बस आपको स्टडी करना है बिल्कुल ही क्विक रिव्यू की तरह क्योंकि हर ऑथर हर राइटर के पास से रिलेटेड आपके चार से पाँच टॉपिक्स आते हैं एग्जाम में तो हम इसको ध्यान से देखेंगे चलिए शुरू करते हैं सेज राइटिंग एज आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास द ही वॉज अ सेज राइटर सो सो वट इज द मीनिंग ऑफ सेज राइटिंग सो आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट द मीनिंग ऑफ सेज राइटिंग दैट समथिंग रिटन बाई करंट स्टेटमेंट करंट सिचुएशन एंड मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड तो ये यही है इन दिस राइटिंग राइटर इंस्ट्रक्ट द रीडर अबाउट contemporary सोशल issue इट was फर्स्ट यूज by आर्नोल्ड then thomas कार्टेल एंड जॉन रस्किन तो जैसे कि आपको बताया कि जो प्रेजेंट सोसाइटी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसके बारे में लिखते हैं और ये फर्स्ट पहले किसने यूज़ किया था आर्नोल्ड ने किया था उनके बाद जो है थॉमस कार्टेल ने किया था आपके एग्जाम में ये आ सकता है और जो थर्ड थे वो थे जॉन रस्किन ठीक है ये चीज़ आप अच्छी तरह से याद रखेंगे ताकि ये आपको अच्छी तरह से और भी बहुत अच्छी तरीके से वो याद हो जाए क्योंकि हमें पर्सनली इनके बारे में कुछ नहीं जानना है बस हमें ये जानना है कि एग्जाम से रिलेटेड क्या चीजें तो वो आप फॉलो करेंगे बहुत अच्छी तरह से चलिए थायरेसिस देखते हैं। तो, आ, सेज राइटिंग आपको पता होता है ये आ, मैंने आपको बताया था कि एक तरह का पोएम है जो कि उनके फ्रेंड ह्यूज समथिंग उनका कुछ नाम था तो उनके डेथ पर उन्होंने ये चीज लिखी थी आप जो अर्लियर वीडियो है उसमें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनके फ्रेंड से उनकी मीटिंग कैसे हुई थी और वो कब उनकी डेथ हुई थी मैं बताया हूँ फोट एट द एज ऑफ फोर्टी टू उनकी डेथ हुई थी और डेथ के आफ्टर फाइव इयर्स बाद उन्होंने इसको लिखा था ठीक है तो थायरेसिस जो एक पोएम था जो कि उनके फ्रेंड की मेमोरी में लिखा गया था 1861 में कब लिखा गया था 1861 में, में। मींस कि उनके फ्रेंड की डेथ जो हुई होगी 1856 में हुई होगी ठीक है तो हियर इज अ कैरेक्टर अब नाउ वी कम टू द टॉपिक हु इज़ अ थाइरेसिस थारेसिस कौन है इसमें एक कैरेक्टर है जो कि शेफर्ड है होप्सो so कि आप लोग शेफर्ड का मतलब जानते होंगे जो बंजारे होते हैं जो uh, जानवरों को पालते हैं उन्हें शेफर्ड कहते हैं एंड लॉस्ट अ सिंगिंग मैच एज आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास कि सबकी अपनी एक अलग पहचान होती है एक हॉबी होती है और एक ऐसी चीज़ें हर किसी में होती है जो पर्टिकुलर उसी में पाई जाती है ठीक है तो डजेंट मैटर यार किसी को हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए किसी को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि वो गरीब है अमीर है जॉबलेस है होमलेस है फैमिली लेस है उसके पास कुछ नहीं है तो ऐसा नहीं कि वो कुछ कर नहीं सकता है बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे बने जो लाइफ में बहुत कुछ उन्होंने अपने दम पे करके दिखाया है और ऐसे लोगों को ही प्लेस करना चाहिए न कि दुनिया के साथ चलना चाहिए चलिए टॉपिक पे आते हैं शेफर्ड होने के बावजूद भी ही वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन अंगिंग कॉम्पिटिशन सिंगिंग कॉम्पिटिशन मीन्स की ही वॉज वॉन्ट ऑफ सिंगिंग सिंगिंग का दिवाना होगा वो तो वो सिंगिंग कॉम्पिटिशन हार जाता है ठीक है तो इससे उसको बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा उसको मतलब कह सकते हैं कि एक फॉबिया हो जाता है इतना ज़्यादा वो इससे ग्रीफ में चला जाता है कि उसको कंपेयर किया गया है इनके फ्रेंड के डेथ से होप्स हो कि आपको ये सिचुएशन समझ में आ रही होगी तो इस बिहा पर इसको लिखा गया है नेक्स्ट आते हैं एम्पेडोकल्स ऑफ एटना देखिए एम्पेडोकल्स ऑफ एटना मैंने आपको थोड़ा सा रिव्यू दे दिया था मैं आपको दोबारा बताता हूँ एम्पेडोकल्स इज अ पोर्ट्रेट इन द पोयम देखिए ये पोर्ट्रेट है पोर्ट्रेट मीन्स की एक पिक्चर है एक किसी पर्सन की पिक्चर है फोटो है जो कि ये बताता है हु कैन नो लॉन्गर फील जो है जो जिन्होंने अपनी लाइफ में जॉय को ज्यादा दिन तक यानी खुशी को ज़्यादा दिन तक महसूस नहीं किया एंड एज वी नो दैट इट इज़ अ पिक्चर सो नाउ इन प्रेजेंट टाइम ही वॉज नो मोर ओके ही कंसिडर्ड हिम सेल्फ यूजलेस तो देखिए कहीं ना कहीं ये इससे मैच्ड है सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरे को डीमोटिवेट करते रहते हैं आगे नहीं बढ़ने देते हैं उनको ऐसा फील करने देते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है तो यहां भी यही था कि कंसिडर हिमसेल्फ यूजलेस एंड प्लान्स टू कमिट सुसाइड और उनको सोसाइटी ऐसा बना देती है कि वो यूज़लेस हैं और वो चाहते हैं कि एक मतलब सुसाइड करना चाहते हैं और कहाँ से फ्रॉम माउंट एटना मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि माउंट मतलब एटना जो है एक तरह का माउंटेन है जहाँ से वो कूद के अपनी जान देना चाहते हैं क्योंकि उनको सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था बहुत ज़्यादा सताया था तो ये चीज़ उनके मन में भावना आती है कि हमें नहीं रहना चाहिए बट टर्निंग पॉइंट ये होता है टू फ्रेंड्स सेव हिम एंड टेल द कॉस्ट ऑफ लाइफ दो दोस्त हैं उनके जो कि उनको बचाते हैं और बताते हैं कि लाइफ की कॉस्ट क्या है देखिए किसी पर्टिकुलर थिंग या किसी पर्टिकुलर सोसाइटी ने या किसी पर्टिकुलर पीपल ने पर्सन ने आपको अगर ऐसा बोल दिया कि यू कॉन्ट डू एनी तो यार ऐसा ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप कुछ नहीं कर सकते बहुत कुछ कर सकते हो तो ये नावल हमें यही बताता है कि हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए ना कि जिन्हें खुद के ऊपर भरोसा नहीं जो खुद अपने पेरेंट्स के ब्याह पे बने हैं या विरासत में जिन्हें चीज़ें मिली हैं उसके ब्याह पे वो आगे बढ़ रहे हैं आगे चल रहे हैं वो हमें इस तरह के लेक्चर देंगे कि भाई आगे बढ़ो या नहीं बढ़ो तो ये सभी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि आपको खुद पर भरोसा रखना है कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और वो कहते हैं कि हम इसका आखिरी तक दम तक साथ निभाएंगे जो टीचिंग से लिंक्ड हैं वो कहते हैं कि हम बिल्कुल ही इससे लिंक्ड रहेंगे कब्र तक साथ निभाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है जिनके जिन्हें हॉबी होती है एजुकेशन की या किसी पर्टिकुलर थिंग की तो वो उनके बिहेवियर में दिख जाता है ना कि वर्ड्स में दिखता है तो यही चीज यहां थी आपको ये चीज बहुत अच्छी तरह से समझना है और ध्यान रखना है कि इनके जो मोटिव्स थे लिखने के वो क्या मोटिव्स थे होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पोयम इतना डिस्कस क्यों किया जा रहा है चलिए टॉपिक पे आते हैं द स्ट्रेट रेवलर स्ट्रेट रेवलर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि भटकता हुआ मौजी मौजी मीन्स रेबुलर होता है और स्ट्रेट मीन्स भटकता हुआ यानी कि एक ऐसे कैरेक्टर की स्टोरी है जिसे खुद नहीं पता कि उसने क्या चीज़ खो दी है लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि उसने बहुत अच्छा किया है तो बेसिकली स्टोरी है पोएम ग्रीव्स फॉर अ वाइफ एक वाइफ के ग्रीव्स की यानी कि एक एंजल होते हैं एक मेल एंजल होते हैं जिनकी वाइफ उन्हें छोड़ के चली जाती है और उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्होंने क्या उस खोया है तो दोनों ही एंजल होते हैं वो इज एंजल वाइफ भी एंजल है और हस्बैंड भी एंजल है लेकिन वन डे ही शी हियरिंग द चर्च बेल चर्च बेल की आवाज़ सुनती है जो कि चर्च बेल एट ईस्टर ईस्टर में एक चर्च बेल है देखिए ईस्टर जो वर्ड आ जाता है तो थोड़ा सा ये कहा जाता है कि हम ऑर्थोडॉक्स की सिचुएशन में जा रहे हैं यानी कि उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं जिन्हें एक्चुअल में चीज़ें नहीं दिख रही हैं वो सुनी सुनाई चीज़ों पे यकीन कर रहे हैं तो ये बहुत ही डीप मीनिंग है यहाँ पर कि उनकी वाइफ ने ईस्टर की चर्च बेल सुना आवाज़ सुनी और उसके बाद शी लेफ्ट हर हस्बेंड अपने हस्बैंड को वो छोड़ के चली जाती है कहां लिविंग अमंग ह्यूमन एंड नवर रिटर्न देखिए ह्यूमन ह्यूमन का यहां पर मतलब यह है कि एक्चुअल uh, में लाई ट्रुथ ना बोलना एक एक्चुअल uh, डिसीजन ना होना अपने वादे पर कायम ना रहना प्रोमिस तोड़ना यह एक ह्यूमन में आपको बताया गया है कि ये चीजें ह्यूमन में होती हैं बट एंजल में नहीं हो सकती हैं ठीक है थीके? तो ये खुद एक एंजल होते हुए इन्होंने एक ऐसे पर्सन को छोड़ दिया जो कि खुद एक इनके साथ के थे किसके लिए छोड़ दिया जो कि लायर थिंग्स थे जो कि ठीक नहीं थे और ऐसे लोग जो कि पुरानी सिचुएशन को या पुरानी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग्स को फॉलो करते थे और इसी को फॉलो करते हुए अब तक आए थे तो ये बेसिकली आपकी ये स्ट्रेट रेवलर की स्टोरी है होप्स हो कि आपको स्टोरी समझ में आई होगी नेक्स्ट आते हैं कल्चर एंड अनारकी देखिए कल्चर एंड एनार्की इसमें हम देखेंगे कि इसके बारे में आपको डिटेल बताया गया है कि एनार्की जो वर्ड है उसमें यही बताया गया है कि क्रिटिसिज्म यानी कि जो आपको रिलीजियस क्रिटिसिज्म दिखता है वो क्या है तो इट वाज द मेजर वर्क डन बाय आरनोल्ड इन दिस बुक रिलीजियस शोन एज स्टडी ऑफ परफेक्शन ठीक है इसमें बताया गया है कि कोई भी रिलीजन होता है तो आप किसी भी रिलीजन को परफेक्शन की ज़रूरत है मीन्स कि आपको देखना है किसी जो शोशोलॉजिस्ट हैं या सोशलिस्ट हैं उनको देखना है कि एक्चुअल में क्या चीज़ें सही है साइंटिफिक जो थिंकिंग रखने वाले हैं उनको हर रिलीजन को सोचना चाहिए देखना चाहिए तब कोई अपनी बात रखनी चाहिए कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि सिर्फ हमारा रिलीजन ऊपर है कुछ लोग कहते हैं कि हम सच्चे हैं एक्चुअल में पहले सच्चे इंसान बन जाओ फिर अपने धर्म को सच्चा कहें तो बेटर लगता है चलिए तो यही चीज़ इन्होंने इसमें कहना चाहा है दैट इज़ वेरी नीडेड इन सोसाइटी सोसाइटी उन्होंने ये भी कहा है कि जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी होती है जो प्रेजेंट सोसाइटी है जो आगे बढ़ती हुई सोसाइटी है वहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि आप रिलीजन में इतना ना पढ़ें जब बल्कि आप ह्यूमैनिटीज में जाएं यानी कि जो इंसानियत है उसको फॉलो करें ना कि रिलीजन के चक्कर में आपस में झगड़ते रहें होप्स हो कि आपको वीडियो समझ में आई होगी रिवाइज कर लेते हैं स्टेज राइटिंग उस राइटिंग को कहते हैं जहाँ पर आप कंटेम्प्रेरी थिंग्स पे लिखते हैं रिलीजियस से जो बैड थिंग्स हैं उसे क्रिटिसाइज करते हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है स्टिल यू राइट दीज थिंग्स दैट इज़ वेरी नीडेड इन योर सोसाइटी प्रजेंटली थायरेसिस एक ऐसा पोएम है जो कि आर्नोल्ड के फ्रेंड के डेथ के बाद लिखी गई थी उनके फ्रेंड की डेथ हो जाती है 1940 सॉरी 1861 में लिखी गई थी और उनके फ्रेंड की डेथ हो जाती है व्हेन ही वाज़ ओनली 42 इयर्स ओल्ड उसके याद में वो लिखते हैं लेकिन सेम टू सेम नहीं बताया गया है थायरेसिस जो है कैरेक्टर चेंज कर दिया गया है उसकी लाइफ भी चेंज कर दी गई है थायरेसिस एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि शेफर्ड बॉय होता है उसकी एक हॉबी होती है सिंगिंग की हॉबी होती है बट ही लॉस्ट था सिंगिंग कंपटीशन एंड डिडेंट वांट टू लीव और डिडेंट वांट टू स्टे एज अ नॉर्मल पीपल वो काफ़ी लॉस्ट हो जाता है अपने लाइफ से और ये इसको इससे कंपेयर किया गया है कि उस समय जो उनके फ्रेंड थे आर्नोल्ड ने उन पर क्या भी दी होगी वैन ही हिज फ्रेंड वॉज नो मोर चलिए एम्पेडोकल्स ऑफ एटना में हमने बताया कि स्टार्टिंग होती है पोएम की एक पोयट्रेट होता है वहाँ पर तो उस पोयट्रेट के माध्यम से बताया जाता है कि इसको लोगों ने सोसाइटी में इतना ज़्यादा डीमोटिवेट कर दिया है कि नो ही डिडोट वॉन्ट टू डू एनी थिंग एंड डोंट वॉन्ट टू गो एनी वेयर एंड डोंट वॉन्ट टू थिंक अबाउट हिमसेल्फ अपने बार ना सोचना चाहता है ना करना चाहता है ना आगे बढ़ना चाहता है अपने पर ध्यान में नहीं देता है एंड जस्ट ही वॉन्टेड टू जस्ट ही वॉन्ट्स टू commit सुसाइड कहाँ सुसाइड करना चाहता है माउंट एडना पे सुसाइड करना चाहता है लेकिन उसकी लाइफ में टू फ्रेंड्स आते हैं जो कि उसे बचाते हैं और उसको समझाते हैं कि लाइफ की कॉस्ट क्या है कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर आप सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं तो अटैम्प फेल हो रहा है तो ये एक मैसेज होता है गॉड की तरफ से कि अभी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा करने को लिखा है यही चीज़ आपकी इसमें बताई है तो पर्सनली जो पॉइंट ने कहा है कि कभी भी किसी को आप अंडर एस्टिमेट ना करें और किसी को डीमोटिवेट ना करें आपका जो डिसीज़न है वो ठीक है लेकिन आप एक्चुअल में जो डिसीज़न है उसको किसी पर बर्डन ना डालें बल्कि ये चीज़ सोचें कि बिहेवियर कंपैरिजन ये सभी चीज़ें को आप आपस में कंपेयर करके करें ना कि किसी को डीमोटिवेट करें या किसी को परेशान करें या फिर कि कोई किसी अदर थिंग्स से उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दें तो ये चीज़ें एक अच्छे रीडर की अच्छे राइटर की या एक अच्छे ह्यूमन की निशानी नहीं होती है यही चीज़ें आपको इसमें एम्पेडोकल्स ऑफ एटना में बताया गया है नेक्स्ट है स्ट्रेट ट्रैवलर स्ट्रेट ट्रैवलर मैंने आपको बता दिया भटका ओमन मौजी किसे कहा गया है ये उस वाइफ़ को कहा गया है जो कि एंजल यानी कि जो कि समझदार होते हुए भी ऐसा डिसीजन लेती है जो उसे नहीं लेना चाहिए वो उनके बीच चली आती है जो कि ह्यूमन होते हैं और ह्यूमन कभी भी एंजल के कंपेयर में नहीं कर सकते हैं इस आ, पार्ट में इस नावल में आपके एक लाइन ये भी आती है कि एंजल अपने हस्बैंड को कहती हैं कि भाई आपकी जो आ, जो सिचुएशन है जो आप डिजर्व करते हैं वो अगला बंदा आपको समझ नहीं रहा है तो आप उन्हें नहीं पता कि वो क्या खो रहे हैं तो ये चीज़ें ऐसे ऐसे लाइन इसमें कहा गया है तो आप इसे पढ़ेंगे होप्स हो कि आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से कल्चर एंड एनार्की में हमने यही पढ़ा कि उनके पास इतने गट्स थे इन उनके पास इतनी चीज़ें थिंकिंग थी आइडियोलॉजी थी कि उन्होंने इस बिहाब पे लिख दिया कि रिलीजन में जो बैड थिंग्स हैं या जो ऐसे थिंग्स हैं जिससे सोसाइटी पीछे रह जाती है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए एंड रिलीज़न इज़ अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ द perfection परफेक्शन कि इसको हमें बहुत अच्छी तरह से स्टडी करना है तो ही हम कुछ इसमें आगे कर सकते हैं अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं अपने सोसाइटी को आगे बढ़ा सकते हैं तो होप्सटूडेंट्स एंड फ्रेंड्स की आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड मैंने दोनों लिंक ये भी और जो लास्ट वीडियो बनाया था वो भी वो मैंने इसी में सेम में डाल दिया है और डेस्क्रिप्शन में आप दोनों चीज़ें देख सकते हैं ये पी भी देख सकते हैं किसी भी टॉपिक से किसी भी राइटर से किसी भी पॉइंट से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझे लिख के दीजिए कोई भी टॉपिक समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के दीजिए और इसे फिर से पढ़िएगा तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए पढ़ते रहिए और किसी ना किसी टॉपिक से कनेक्टेड रहिए और अपना माइंड हमेशा पॉजिटिव रखिए ताकि आप आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके जो जानकार हैं जो क्लोज हैं वो पॉजिटिव रहेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक तो अपना ख्याल रखिए थैंक यू